लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बीजेजी म्यूजिक कंपनी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम सब यहाँ किसी की कामयाबी और मकसद पूरे होने की खुशी में इकट्ठे हुए हैं। आप सबका धन्यवाद जो आपने इस फनकार की हौसला अफजाई की और उसे उस ऊंचाई तक पहुँचाया कि वो सबके दिलों में समा गया। वो जो सबकी जुबा पर है, उस सितारे, उस स्टार का नाम है अर्जुन सिंह। आप इतने बड़े कलाकार हैं, आज घर घर में आपके चर्चे हैं। ये कामयाबी आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है? कामयाबी मेरी जिंदगी का मकसद था, और जब जिंदगी में मकसद मिल जाता है तो जीने की वजह भी मिल जाती है। वन एट अ टाइम प्लीज। सर, मकसद और कामयाबी पाने में काफी लोगों का हाथ होता है। आपकी जिंदगी में कौन है जिसने आपके सपने पूरे किए? एक्सक्यूज मी, वो उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत बहुत मुबारक। अर्जुन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आओ मां, हैव अ सीट मैम। म्यूजिक अच्छा ना मां? डांस हो जाए क्या? मैं और इस उम्र में? ले बाबा, बच्चे लोग, बच्चे लोग, टुक टुक, डांस करोगे मेरे साथ? मैं और बुड्ढों के साथ डांस करूंगी। अर्जुन भैया, तुम्हारे साथ डांस करेगी नैना जी। क्यों नैना जी, हो जाए? अरे हो जाए, हो जाए, सोचना क्या। कम ऑन दीदी, कम ऑन नैना, गो। थैंक्स मां। सरकार, जनाब, मेरी जान, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही पापा, एक सोच है जो मुझे सोने नहीं दे रही। सोच? हमने हमेशा कोशिश की है कि कोई भी सोच हमारी जान तक पहुंचने के लिए 100 बार सोचे, फिर कौन सी सोच है जो तुम तक पहुंच गई? उस सोच का नाम नैना है पापा। नैना?
वो अच्छी लड़की है पापा, मेरी उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन जब भी मैं उसे अर्जुन के साथ देखती हूँ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरे दिलो दिमाग में एक तूफान सा उठने लगता है, नफरत का तूफान। मेरा जी करता है पापा मैं नैना का खून कर दूं। खून? मेरी जाने मन, मेरे सरकार, इसका मतलब है कि यू आर इन लव। यू आर इन लव बेटा, यू आर इन लव, यू आर इन लव। तुम्हें अर्जुन से प्यार हो गया है। यू आर इन लव बेटा, दैट्स फैंटास्टिक। ओह हाउ ब्यूटीफुल, यू आर इन लव। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अर्जुन भैया। अनु तुम? माँ भी आई है? मामा नहीं आई है, मैं अकेली आई हूँ। चला इधर आ, आप बैठ जा। अब बोल क्या पिएगी? कुछ नहीं पियूंगी क्योंकि बाहर मेरी सहेलियाँ मेरा इंतजार कर रही हैं और मुझे जाना है। कम ऑन, अभी तो आई है, इतनी जल्दी जाना है? हाँ, मम्मी ने ये मैसेज भेजा है कि कल शाम को तुम्हें घर आना है क्योंकि नैना दीदी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। नैना जी को देखने? क्यों? अरे क्यों का मतलब क्या हुआ? दीदी की शादी के लिए, और मम्मी ने कहा है कि अगर तुम वहाँ रहो तो अच्छा होगा ताकि तुम लड़के को देख भी सको और उसे पसंद भी कर सको। राइट? ओके मैं जाती हूँ, भूलना नहीं। ओके बाय। अरे अर्जुन, तुम अभी तक घर पे हो? शो का टाइम हो रहा है। जी जी। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तो जल्दी कीजिए स्टार साहब, आपके चाहने वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। ख्वाबों में खोए रहते थे, बाहों में सोए रहते थे, हम आशिक थे दीवाने थे, इस दुनिया से बेगाने थे। ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। कुछ सुनते थे हम फूल वफा के चुनते थे, कभी हंसते थे कभी रोते थे, हम यार जुदा जब होते थे, हमें सब कुछ अच्छा लगता था,
अफसाना सच्चा लगता था, ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। थी चाहत के नगमे गाते थे, बेचैन दीवाने धड़कन को बहलाते थे, समझाते थे, ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे, फिरते थे। Not today, not today. Thanks. अर्जुन, तुम इस वक्त यहाँ? बेचैनी इतनी बढ़ गई माँ कि हम सुबह तक का इंतजार ना कर सके। बेचैनी? क्यों, क्या हुआ? चल अंदर आ जा, बैठ। क्या माँ, जब से अनु ने बताया है कि कल सुबह लड़के वाले नैना जी को देखने आ रहे हैं, हमारे अंदर एक अजीब सा तूफान उठ रहा है। माँ, हमारे अंदर जैसे एक जंग सी चल रही हो, हमें समझ नहीं आता माँ, हमें बिल्कुल समझ नहीं आता हमें क्या हुआ है। माँ, नैना, सुना अर्जुन क्या कह रहा है? क्या जवाब है तेरे पास इन बातों का? क्यों हो रहा है इसके साथ ये सब? इतना बेचैन है कि सुबह तक इंतजार भी ना कर सका। कब होता है? हानु, नैना को कौन सा लड़का देखने आने वाला है? झूठ बोला था मैंने, क्योंकि जब भी अर्जुन बॉबी की तारीफ करता था या बॉबी के बारे में कुछ भी कहता था तो नैना हमेशा अपने दिल पर सब्र का पत्थर रखकर सिर्फ मुस्कुरा देती थी। हर बार मैंने उसकी आंखों में पढ़ा, माँ माँ ये अर्जुन से बहुत प्यार करती है। मैंने उसकी आंखों में जितना प्यार देखा ना, उन्हीं आंखों में उससे भी बड़ा एक सपना देखा कि अर्जुन के सारे सपने पूरे हो जाएं। इसका प्यार अर्जुन की कामयाबी में कहीं रुकावट ना बन जाए, इसलिए वो हमेशा खामोश रही। मैंने भी अंधेरे में तीर छोड़ा, निशाने पे लगा, तुम तड़प उठे, तुम्हारा प्यार सबके सामने आ गया। नैना, तुम भी ये खामोशी तोड़ दो। अर्जुन की जिंदगी में अगर कोई दूसरी लड़की आ गई ना, तो पूरी जिंदगी तुम्हें सब्र में ही गुजारनी होगी। मम्मा, अनु को समझाओ ना, ये क्या क्या बोले जा रही है। इस बेशरम ने तो सबके सामने सब कुछ कह दिया, भला मैं ये सब कैसे कहती। नैना। यस मम्मा, अनु इज राइट। क्यों, तुझे तेरी बेचैनी की वजह मालूम पड़ी है?
थैंक यू अनु। यू वेलकम। वो क्या है ना माँ, अंग्रेजी में कहते हैं क्या कहते हैं, आई लव यू मामा। If you love somebody, set it free. If it loves you, it'll come back to you. पर नैना जी, हम तो आपसे दूर कभी गए ही नहीं, हम तो हमेशा आपके बहुत पास और बहुत करीब थे। अब देखिए ना, अक्सर इंसान अपने मकसद को पाने में इतना खो जाता है कि उसे ये एहसास ही नहीं होता कि कोई उसे प्यार करता है। हमें तो आज सब कुछ मिल गया नैना जी, सब कुछ। तुम्हें तो प्यार का इजहार करना भी नहीं आता, वही जैसलमेर के सीधे सादे अर्जुन सिंह। अगर मुझसे प्यार करते हो ना, तो प्यार का पहला सबक भी सीखो, इस जी को हटा दो, मुझे सिर्फ नैना कहकर पुकारो। जी नैना। नैना जी, इस जी को तो आप रहने ही दीजिए, इस जी में बहुत प्यार है। हम तो शादी के बाद भी आपको नैना जी ही बुलाएंगे। शादी जी? नैना जी, प्यार किया है तो शादी भी तो होगी ना। I love you अर्जुन। On the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.